थी तो खत्म भी मैं ही करूंगा। इसलिए नहीं कि कोई बाहर चला जाए। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डंकी मूवी के बारे में और सलार मूवी के बारे में। आपको बताएंगे कि ये दोनों मूवी अब तक कितना कलेक्शन कर चुकी है। तो फाइनली फैन इंडिया सुपरस्टार प्रभास के सलार फिल्म ने दुनिया भर में 700 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया है और ये फिल्म अभी भी बॉक्स ऑफिस पर करती जा रही है ताबड़तोड़ कमाई। तो आज हम बात करेंगे सलार फिल्म के 5 भाषाओं के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में और आपको बताएंगे फिल्म ने दुनिया भर से टोटल कितने करोड़ की कमाई की। साथ ही साथ जानने वाले हैं कि इसके एक दिन पहले रिलीज हुई थी शाहरुख खान की फिल्म डंकी के भी अब तक के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो 2023 की सबसे बड़ी ओपनिंग लेने वाली एक्शन पैन फिल्म सलार, जिसे डायरेक्शन किया था KGF और KGF 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील ने, और इस फिल्म में हमें देखने को मिले थे बाहुबली प्रभास। साथ ही साथ इस फिल्म के मलयालम सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन, जगपति बाबू और कृतिक हसन भी नजर आए थे। बताना चाहूँगा यहाँ पर सलार फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नाडा टोटल 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था और जबकि रिलीज हुई थी तो फिल्म ने पहले दिन दुनिया भर से 178 करोड़ की कमाई की थी। वही 3 दिनों के वीकेंड डे में फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 400 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो चुका था। लेकिन अब आपको बताना चाहेंगे यहाँ पर सलार फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर आज पूरे हो चुके हैं 17 दिन और फिल्म का जो 17 दिनों का कलेक्शन है वो 5 भाषाओं का काफ़ी बढ़िया हो चुका है। जी हाँ, अगर बात करें सलार के 5 भाषाओं के टोटल कलेक्शन के बारे में, उससे पहले जान लेते हैं शाहरुख खान की फिल्म डंकी के अभी तक के टोटल कलेक्शन के बारे में। तो शाहरुख खान के डंकी फिल्म को रिलीज हुई थी 22 दिसंबर को। इस फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज हुए आज हो चुके हैं 18 दिन। बताना चाहूँगा कि राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनी डंकी एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे फिल्म को सिंगल लैंग्वेज यानी कि हिंदी में रिलीज किया गया था। बात की जाए यहाँ पर डंकी के डिटेल कलेक्शन के बारे में, तो इस फिल्म के शुरुआती 15 दिनों के इंडिया से नेट कलेक्शन 209 करोड़ 53 लाख रुपए का किया था। वही 16वें दिन फिल्म ने सिर्फ 2 करोड़ 85 लाख रुपए की कमाई की। तो 17वें दिन सैटरडे होने की वजह से फिल्म ने कलेक्शन में उछाल और फिल्म ने 17वें दिन इंडिया नेट कलेक्शन किया 4 करोड़ 35 लाख रुपए। हालांकि बात करें डंकी फिल्म के आज यानी कि 18वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो 18वें दिन संडे, जिसके वजह से फिल्म को छुट्टियां का पूरा फायदा मिल रहा है और फिल्म को जो मॉर्निंग वाले शो में ऑक्यूपेंसी मिली है वो कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। साथ ही साथ फिल्म की बुकिंग आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट शोज की भी काफ़ी सॉलिड रही थी। तो जो रिपोर्ट अभी तक आई है उसके मुताबिक शाहरुख खान की फिल्म डंकी अपने 98वें दिन यानी कि तीसरे संडे इंडिया से नेट कलेक्शन कर रही है 6 करोड़ 25 लाख रुपए और इसी के साथ डंकी का शुरुआती 18 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 223 करोड़ का हो चुका है। तो इंडिया ग्रोस कलेक्शन 265 करोड़ रुपए, ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 171 करोड़ की टोटल कमाई की है और इसी के साथ डंकी फिल्म का 18 दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है 436 करोड़ का। जी हां, फिल्म दुनिया भर में 436 करोड़ की अब तक टोटल कमाई कर चुकी है। बताना चाहूँगा डंकी फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपये, उस हिसाब से देखा जाए तो डंकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर क्लीन हिट हो चुकी है। लेकिन अगर बात करें सलार फिल्म के टोटल कलेक्शन के बारे में, तो सलार फिल्म ने शुरुआती 2 हफ्तों में तो अच्छी खासी कमाई की थी, लेकिन फिल्म का तीसरा हफ्ता जैसे ही चालू हुआ था उसके बाद फिल्म सोमवार से कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुके थे। लेकिन जैसे ही फिल्म का वीकेंड आया यानी कि शुक्रवार शनिवार, इन दिनों में फिल्म की कमाई में एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला और आज यानी कि इस फिल्म के तीसरे रविवार तो फिल्म की जो कमाई है और काफ़ी बढ़िया हो चुकी है। जी हां, आपको बताना चाहूँगा कि सलार फिल्म ने शुरुआती 15 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 5 भाषाओं से 451 करोड़ 10 लाख रुपए का किया था। वही फिल्म ने अपने 16वें दिन यानी कि तीसरे शनिवार है इंडिया नेट कलेक्शन किया था 6 करोड़ 73 लाख रुपए का। बात करें सलार फिल्म के आज यानी कि 17वें दिन के कलेक्शन के बारे में, तो यहां पर सलार फिल्म को आज ऑल इंडिया में
ऑक्यूपेंसी मिली है वो शाहरुख खान की फिल्म डंकी से कहीं ज्यादा है। खास करके हिंदी मार्केट में तो सलार फिल्म किसी भी कहीं ज्यादा बेहतर कमाई कर रही है और साथ ही साथ सलार फिल्म को तेलुगु वर्जन में भी अच्छा खासा रिस्पांस देखने को मिल रहा है। हालांकि यहां पर सलार फिल्म तमिल, मलयालम और कन्नाडा से लगभग पूरी तरह से उतर चुकी है, लेकिन बात करें कि सलार फिल्म का आज का सभी भाषाओं के कितने कलेक्शन हो चुके हैं तो जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक सलार फिल्म अपने 17वें दिन यानी कि तीसरे रविवार इंडिया नेट कलेक्शन कर रही है 8,50,00,000 रुपये का। और इसी के साथ सलार फिल्म का शुरुआती 17 दिनों के अंदर ऑल इंडिया नेट कलेक्शन हो रहा है 466,33,00,000 रुपए का, वही इंडिया ग्रोस कलेक्शन 556 करोड़ रुपए। बताना चाहूंगा फिल्म ने ओवरसीज मार्केट यानी कि विदेशों से 147 करोड़ की टोटल कमाई की है। और इसी के साथ सलार फिल्म का 17 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 701 करोड़ का हो चुका है। जी हां, सलार फिल्म दुनिया भर में 5 भाषाओं से 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई कर चुकी है। तो सलार ने 700 करोड़ का आंकड़ा तो पार कर दिया। अब देखते हैं कि इस फिल्म की लाइफ टाइम कमाई कहाँ तक जाती है। क्या ये फिल्म 750 करोड़ पे रुकेगी या 800 करोड़ पे या फिर उससे भी ज्यादा कमाई करेगी, ये तो सोमवार के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि सलार फिल्म का जो लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो कहाँ तक जाएगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बाय बाय बउआ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।